श्री सद्गुरु महाराज की जय। आराध्यदेव का उपदेश महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से शीर्षक बहुदेव उपासना ठीक नहीं। प्यारे लोगों, लोका मति का भोरा रे, लोका मति का भोरा रे, जो काशी तन तजे कबीरा, राम ही कौन निहोरा रे, लोका मति का भोरा रे। तब हम ऐसे यही जन्म काला हा, जो जल में जल पैठन निकसे, जो जल में जल पैठन निकसे, यो ढूरी मिला जुलाहा, लोका मति का भोरा रे। राम भगति में जाको हित चित, वाको अचरज काहा, गुरु प्रसाद साधु की संगति, गुरु प्रसाद साधु की संगति, जग जीते जात जुलाहा, लोका मति का भोरा रे, लोका मति का भोरा रे। कहे कबीर सुनो हो संतो, भरम परो जन कोई, कहे कबीर सुनो हो संतो, भरम परो जन कोई, जस काशी तस मगहा ऊसर, जस काशी तस मगहा ऊसर, हृदय राम जो होई, हे हृदय राम जो होई, लोका मति का भोरा रे। जो काशी तन तजे कबीरा, राम ही कौन निहोरा, लोका मति का भोरा रे। कबीर साहब कहते हैं, अरे सीधी बुद्धि का मनुष्य, यदि काशी में कबीर शरीर छोड़े, अर्थात काशी की लोकोक्ति महिमा के भरोसे कबीर काशी में शरीर छोड़े, तो राम से विनय करने का, राम भजन करने का कौन सा फल। तब अर्थात शरीर धारण से पूर्व में ऐसा था, और अब अर्थात शरीर धारण करके ऐसा हूँ, अर्थात शरीर धारण के पूर्व में विकार रहित था, और अब शरीर धारण करने पर भी विकार रहित हूँ, यही मनुष्य जन्म का लाभ है। जिस तरह जल में जल प्रविष्ट होकर फिर भिन्न होकर नहीं निकलता है, उसी तरह मैं जुलहा शरीर रूपी घरे से ढरक कर ईश्वर से जा मिला। राम भक्ति में जिसका चित्त प्रेम से लगा है, उसके लिए यह कौन सा आश्चर्य है। गुरु की कृपा
और साधु के संग से जुलाहा कबीर संसार को जीत कर जाता है। कबीर साहब कहते हैं, हे संतो भ्रम में मत कोई पड़ो, यदि हृदय में राम हो तो काशी जैसा है उसर मगहा भी वैसा ही है। बहुदेव उपासना में ईश्वर का ज्ञान नहीं होता, एक ईश्वर पर निर्भरता ही एक ईश्वर पर निर्भरता भी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति से पूछने पर ईश्वर के विषय में कुछ कह भी नहीं सकते, किंतु इसी भारतवर्ष के अंदर जो केवल एक ईश्वर की उपासना करते हैं वे कह सकते हैं। आर्य समाजी या कबीर नानक आदि संतवाणी को समझने बुझने वाले जानते हैं, किंतु इन लोगों में भी अब कमी आ गई है। एक ईश्वर पर विश्वास नहीं और बहुदेव उपासना करनी एक प्रकार की नास्तिकता ही है, किंतु आजकल ऐसी हवा चल गई है कि लोग बाहरी आडंबर के कारण बाह्य पूजक को ही आस्तिक कहते हैं। जो बाह्य पूजन नहीं करते उसे ही नास्तिक कहा करते हैं। यह इस देश के लिए ठीक नहीं हुआ। संतवाणी में देवताओं का भी वर्णन है, किंतु इनको उतना स्थान नहीं दिया गया है। एक ईश्वर पर स्थिर होने कहा गया है। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश बिचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहाँ अपुन पौ हारे। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवताओं का व्रत करने वाले देवताओं के पास, पितरों का व्रत करने वाले पितरों के पास, भिन्न भिन्न भूतों को पूजने वाले उन भूतों के पास जाते हैं और मेरा भजन करने वाले मेरे पास आते हैं। संत कबीर साहब ने कहा, देवता पितर भुइयां भवानी, यह मार्ग 84 चलन की। इसलिए मेरी भी यही इच्छा है कि सब कोई एक देव उपासी अर्थात ईश्वर उपासी बने। जो कोई ऐसा समझते हैं कि देवता की भक्ति नहीं करके एक ईश्वर की भक्ति करने से देवता रुष्ट हो जाएंगे तो उनको क्या कहा जाए, वे तो राक्षस हैं। कोई कोई कहा करते हैं कि साधारण लोगों में यह ज्ञान देना ठीक नहीं, उन्हें गंगा स्नान करने दान दक्षिणा देने की ही शिक्षा दो। यदि सदा सबको यही शिक्षा दी जाए तो ऊंची शिक्षा कैसे प्राप्त करेगा। यदि कहो कि सब लोग खूब पढ़ लिख लेंगे विद्वान होंगे तब उन्हें यह शिक्षा दो, तो इतने ऊंचे ऊंचे विद्यालय में पढ़कर सब विद्वान हो जाए कठिन है। यह ईश्वरीय ज्ञान तो धीरे धीरे सुनते सुनते सीख जाएंगे। चाहे एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं हो, तोता जिसे मनुष्य के समान कंठ नहीं उसे सिखाते सिखाते मनुष्य की तरह बोलने लगता है और अपनी ओर से भी पीछे बोलने लगता है, तब मनुष्य क्यों नहीं सीख सकता है। लोग हमारे सत्संग पर आक्षेप करते हैं कि ये सबको ब्रह्मज्ञानी बना देंगे।
वे चाहते हैं कि सबको नीचे ही रखें तो रहो, सब मिट्टी पूजते ही रहो। लोग कहते हैं कि ये नीची जात के लोग हैं, इन्हें उपदेश नहीं दो, यह कितनी संकीर्ण हृदय है, यह बात अच्छी नहीं। एक ईश्वर की उपासना वाले की उर्ध्वगति होती है और वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है, किंतु अनेक देव उपासी संसार की ओर जाता है और जन्म मरण के चक्र में रहता है। यह संतमत एक उपासी बनने के लिए शिक्षा देता है, इसलिए ईश्वर के स्वरूप को जानो। ईश्वर के स्वरूप को जानने के लिए थोड़े में जानना चाहो तो 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर मुंह गुदा और लिंग, 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख नाक कान जीभ और त्वचा, और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित अहंकार, कुल 14 इंद्रियों से उसका ज्ञान नहीं होता। पैर से तीर्थादि जाओ, हाथ से हवनादि करो, मुंह से स्तुति या अच्छे अच्छे शब्दों में भजन गाओ, किंतु ईश्वर को नहीं जान सकते। ये सब 14 इंद्रियां ईश्वर को पाने के सर्वदा अयोग्य है। मन तो अंधा है, यह पहचान ही नहीं सकता। बुद्धि के विचार में ईश्वर स्वरूप आता है किंतु पहचान नहीं सकती। चित्त केवल कंपन अर्थात मन को डुलाने के लिए जानता है और अहंकार से मैंपन का ज्ञान होता है, इन इंद्रियों से पहचान नहीं सकते, अपनी चेतनात्मा से पहचान सकते हो। जब इस पर इंद्रिय आदि चश्मे का आवरण न हो, इन इंद्रियों से अपने को छुड़ाकर चलना भक्ति है। जगन्नाथ जी का दर्शन करने अथवा गंगा स्नान करने के लिए चलना उनकी भक्ति है, उसी प्रकार ईश्वर से मिलने के लिए चलना ईश्वर की भक्ति में दाखिल होना है। ईश्वर भक्ति का ज्ञान सबको देना चाहिए। एक ईश्वर की उपासना ठीक है, बहुदेव उपासना ठीक नहीं। बहुदेव उपासी ईश्वर को भूल जाता है, वही नास्तिक है। फिर ऐसा भ्रम कि अमुक जगह मरने से स्वर्ग और अमुक जगह मरने से नरक होगा, यह बात नहीं हो सकती। गंगा स्नान करने से आपके मृतक शरीर को गंगा के किनारे जलाने से अथवा आपकी हड्डियां या भस्म को गंगा जी में देने से स्वर्ग हरगिज नहीं हो सकता। पाप करके पुण्य करें, इससे पाप नहीं कट सकता। पुण्य का फल अलग और पाप का फल अलग मिलेगा। आपने किसी को 2 रुपया कर्ज दिया और किसी को 2 रुपया दान दिया, इसलिए वह महाजन आपसे रुपया नहीं मांगे, यह कहाँ की बात है। वह तो कहेगा कि आपने दान अपने लिए किया, मुझे उससे किया, मेरा रुपया दो। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष झूठ बोले, बल्कि उनकी प्रेरणा से झूठ बोले, फिर भी 2 मुहूर्त तक नरक में रहना पड़ा, उसके लिए खातिरदारी नहीं हुई। जो कर्म कीजिएगा उसका फल भोगना ही पड़ेगा। तब आप कहेंगे, क्या कर्म फल से कोई छूट नहीं सकता? सौर जगत में रहने से सूर्य का प्रभाव पड़ेगा ही।
यदि सौर जगत से कोई पार हो जाए तो उस पर सूर्य का प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार कर्म मंडल में रहने से कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। कर्म मंडल पार कर जाने से कर्म फल छूट जाएगा। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि अपने को इंद्रियों से छुड़ाओ। चौथ चारि परिहरहु बुद्धि मन चित अहंकार, विमल विचार परम पद निज सुख सहज उदार। विनय पत्रिका। विचार में अपने का ज्ञान होता है किंतु पहचान नहीं। अपने को चतुष्टय अंतःकरण से छुड़ाओ, कर्मंडल से पार हो जाओगे, अपनी पहचान होगी और मोक्ष मिलेगा, फिर कर्म बंधन से छूटोगे। कर्म की हो ही सर्वप ही चिन्ह है, लोक लोकांतर में जाने से मुक्ति नहीं मिलती, कभी न कभी फिर यहाँ आना ही पड़ेगा। इसलिए अपने को सब आवरणों से छुड़ाकर कैवल्यता प्राप्त करो और मोक्ष प्राप्त कर लो, फिर आवागमन से रहित हो जाओगे। अगस्त जी ने श्री राम को कहा था कि राजा श्वेत ब्रह्मा के लोक में गए, दान नहीं किया था, अतः उसको वहाँ भी भूख प्यास सताती थी। उसको निज मृत शरीर का मांस भोजन करने की आज्ञा ब्रह्मा ने दी, वहाँ भी भूख प्यास सताती थी। कर्म से छुट्टी वहाँ भी नहीं। वैकुंठ में जय विजय एक समय सनक सनंदन और सनत कुमार आदि को रोका तो वहाँ भी सांप लगा और रावण कुंभकर्ण हुआ। जहाँ तक द्वैत है वहाँ तक ऐसा ही रहेगा, अद्वैत में ऐसा नहीं होगा। एक ईश्वर उपासना में कोई विघ्न नहीं हो सकता। मजबूत होकर एक ईश्वर की उपासना में लगो। ईश्वर नहीं है यह सोचना बहुत बुरी बात है। पहला, जो जीव माने ईश्वर नहीं। दूसरा, ईश्वर माने किंतु उपासना नहीं, बहुदे उपासी हो। और तीसरा, जीव ईश्वर कुछ नहीं माने, स्वर्ग नरक भी नहीं माने। ये तीन प्रकार के नास्तिक हैं, इन तीनों से बचना चाहिए। यह आराध्यदेव का प्रवचन संत में सत्संग मंदिर मनिहारी जिला कटिहार में दिनांक 25/10/1952 ईस्वी के अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था।